हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ICDSCIS है उसके तहत जो एप्लीकेशन बनाया गया है कॉम केयर LTS, उसे आप इंस्टॉल या डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। और दोस्तों, मेरे सर का चैनल है ब्लूज कोचिंग क्लासेस, जो एक स्टडी चैनल है दोस्तों, प्लीज़ उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वो एक बहुत अच्छा चैनल है दोस्तों, स्टडी के बेस्ड है, वो स्टडी के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज़ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। जैसा कि आप जानते हैं प्ले स्टोर ये रहा, तो मैं अपने प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आप सर्च बार में, आप सब जानते हैं सर्च बार क्या होता है, जैसा कि ये स्टेप से सर्च बार होता है। सर्च बार पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। कीबोर्ड का ऑप्शन आने के बाद आपको उस पर सिंपल सा लिखना है COMMCARE स्पेस LTS। तो दोस्तों, आपको ऐसे सर्च कर लेना है, यानी कॉम केयर LTS। और दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने दो एप्लीकेशन आएगी। एक तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम केयर LTS, और दोस्तों जो दूसरी एप्लीकेशन है वो थोड़ा नीचे आएगी, कॉम केयर, ओनली कॉम केयर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वैसे कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको ओनली कॉम केयर LTS ही डाउनलोड करना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। अब आपको इंस्टॉल कैसे करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट पर भी आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डाउनलोड है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वेटिंग फॉर डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आपका जो मोबाइल है उसमें जल्दी से डाउनलोड नहीं होता है, तो आप सिर्फ सिंपल सा बैक आ जाइए। मैं बैक आ जाता हूँ दोस्तों, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, आप जैसे ही आप इस कॉम केयर LTS को डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, तो आपके पास जैसा कि इंटरफेस आएगा, तो आपकी जितनी फाइल्स है वो सारी उसमें नहीं रहेगी। और दोस्तों, जो भी आपका डिलीट हुआ है, अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मेरी एक और वीडियो है CCZ फाइल वाली या फिर ऐप कोड वाली, आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फाइल्स वापस कैसे ला सकते हैं CCZ फाइल की मदद से या ऐप कोड से। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं आपको देख लेता हूँ यार, अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू नहीं हुआ है, कॉम केयर LTS पे चल जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हो रहा है। और दोस्तों, इसके जो ये हैं पिक्चर्स जो अपलोड की है, जिसका जो पब्लिशर है दिमागी या फिर ICDSCIS भी है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसने पिक्चर अपलोड कर रखी है। इंटरफेस आने के बाद आपको मेरी वीडियो देख लेनी है CCZ फाइल वाली या फिर ऐप कोड वाली, वो मैं उसको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दोस्तों, साइड में आप देख रहे हैं स्टार्ट सेव्ड, ऐसे भी अगर आपका कुछ अलग जॉब है या फिर आप आंगनबाड़ी कार्य करते हैं तो आपके अलग आएगा इंटरफेस। ऐसे ही आपके पास सारी आपकी फाइल्स जो है ओपन हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉम केयर LTS है वो स्टार्ट हो गया है, और 72% जो है वो प्रोसेस चल रही है, 80 हो गई, 99, 95 एंड 100। दोस्तों, अब इंस्टॉलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रहा है हमारा कॉम केयर LTS। आप भी इसी प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। और आपको अपनी राय देनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, इंस्टॉल और ओपन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये इंस्टॉल हो गया है या फिर डाउनलोड हो गया है। अगर
और आपको देखिए दोस्तों, सॉरी, आपको है ना अनइंस्टॉल पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है ये एप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएगा, और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन, तो ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आप सोचेंगे कि यार अब इसमें अब उनको कंफ्यूजन हो रही है, अब हमारी फाइल्स भी हमें चाहिए, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो हमारी मैंने पहले ही डाल रखी है, सी सी जेड फाइल से ऑफलाइन इंस्टॉल कैसे करें या फिर ऐप कोड से इंस्टॉल कैसे करें। तो सी सी जेड फाइल से यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉल हो जाता है, और एंटर कोड से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इससे इंस्टॉल हो जाता है, और सी सी जेड फाइल से इससे इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों आसानी से आप जो है मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं सी सी जेड फाइल वाली वीडियो या फिर ऐप कोड वाली वीडियो। और दोस्तों मेरा चैनल जो टेक्निकल मधुरम है, तो प्लीज़ दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। आपको इसी प्रकार के आंगनबाड़ी वाली वीडियोस या फिर ICDSCS या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। और प्लीज़ मेरे जो चैनल के सब्सक्राइब है वो 973 है, तो प्लीज़ 1K सब्सक्राइब कराने में मेरी मदद कीजिए, और मेरे सर के चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगा, आज के सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।